कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे सिंपल तरीके से साड़ी पहन सकते हैं। तो उसमें काफी सारे कमेंट मुझे ऐसे आए थे जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं उन्हें लो वेस्ट में साड़ी पहनाना सिखाऊं, क्योंकि गाइज मैं हाई वेस्ट में साड़ी पहनती हूँ, तो मैंने इसीलिए आपके साथ ऐसे शेयर किया। अदरवाइज लो वेस्ट में भी काफी लोग साड़ी पहनते हैं, मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और ना ही मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए मैं हाई वेस्ट में साड़ी पहनती हूँ। बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो लेके आई हूँ। बस सिंपल तरीके से ही आप लोगों को साड़ी पहननी है। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं ज्यादा स्टाइलिश तरीके से साड़ी नहीं पहनती हूँ, सिंपल तरीके से साड़ी पहनती हूँ। और जरूरी भी है, अगर कोई लोग ससुराल में है या फिर कोई लोग रेगुलर ही साड़ी पहनते हैं तो उन लोगों को सिंपल ही साड़ी पहननी होती है। ये नहीं है कि वो स्टाइलिश साड़ी पहने, मतलब डिफरेंट तरीके की साड़ी पहने, ऐसा तो कोई पहनता नहीं है। तो मैं सिंपल तरीके से ही आपको बता रही हूँ, डिफरेंट तरीके से मुझे भी नहीं आता है, जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने इस वीडियो में बस आप लोगों को यही दिखाना है कि आप लोग लो वेस्ट में कैसे साड़ी पहने। तो आई होप गाइज, जिन लोगों ने भी मेरे से रिक्वेस्ट की थी उन लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, उन लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग लो वेस्ट में कैसे साड़ी पहने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा दिखाती हूँ किस तरीके से आपने लो वेस्ट में साड़ी पहननी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप लोग अपना बेसिक टक करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को टक करना होता है पीछे से, ताकि जो आप लोगों का बेसिक टक है वो परफेक्ट हो जाए। आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साड़ी पे गांठ लगा ली है। मैंने आपको पहले बताया था गांठ क्यों लगाते हैं, तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगी नहीं। सो हमें ये अच्छे से टक करना है, जो हमारा बेसिक टक होता है उसे अच्छे से करना है, और पीछे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे टक कर लेना है। इससे आप लोग जब साड़ी पहनेंगे तो आप लोग काफी ज्यादा अच्छे दिखोगे। तो अब मैं यहाँ पे पल्लू की लंबाई डिसाइड कर लूंगी कि मुझे पल्लू की कितनी ज्यादा लंबाई यहाँ पे चाहिए, और उसके बाद मैं पल्लू की लंबाई को जहाँ से आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर है उसके थोड़ा सा कॉर्नर से मैं इसे यहाँ पे टक कर लूंगी और पल्लू को पीछे छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं पल्लू को कंधे पे नहीं रखती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है प्लेट्स बनाने में, इसीलिए मैंने पल्लू को छोड़ दिया है। तो अब ये इतनी साड़ी मेरे पास बची हुई है, अब मैं इसकी अच्छे से प्लेट्स बनाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी दो फिंगर यूज कर रही हूँ, जो फ्रंट और लास्ट फिंगर हमारी होती है, इन दो फिंगर का मैं यूज करूंगी, क्योंकि दो फिंगर का यूज करके ही हमारी साड़ी परफेक्टली लगती है। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से प्लेट्स बनाते हैं, काफी सारे फिंगर्स का यूज करते हैं, बट मैं फ्रंट और लास्ट का फिंगर का यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपकी प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती हैं, इधर उधर नहीं होती हैं, और सारे प्लेट्स बराबर के साइज में बन जाते हैं, तो इसमें हमें प्लेट्स को ज्यादा सही करने में दिक्कत नहीं आती है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं सारे प्लेट्स यहाँ पे अपने बना लूंगी, और वैसे भी मेरी थोड़ी सी ये हैवी साड़ी है, नेट की साड़ी है, और तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बट इसके जो प्लेट्स हैं बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्लेट बन चुके हैं, और तो मैं इन सारे प्लेट्स को ऊपर से पहले सही करूंगी, ताकि जो इनका नीचे का साइज है, नीचे की जो ये प्लेट्स बनी है ये एक साइज की हो जाए।
और अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं जो ये पल्लू के साइड का हमारा साड़ी है उसे मैं यहाँ पे टक कर लूंगी। उससे क्या होगा कि हमारी साड़ी लूज नहीं दिखेगी, और जो इधर के जो मैंने प्लेट्स बनाए हैं उनको मैं इसमें टक कर लूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लेट्स अपनी टक कर ली हैं। अगर आप लोग चाहें गाइस तो यहाँ पे पिन को लगा के प्लेट्स को टक कर सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि साड़ी फट जाती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। बट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं मैं नीचे से इन्हें सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर वाली साड़ी है और बॉर्डर वाली साड़ी में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉर्डर हमारा थोड़ा मुड़ने में दिक्कत करता है, तो हमें इसे अच्छे से नीचे से सेट करना होता है। ऊपर से तो हमारी प्लेट्स बहुत अच्छी बन चुकी हैं, बट नीचे से हमें थोड़ा इसे टच सेट करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नीचे के। अब मैं अपने पल्लू को सेट करूंगी। तो पल्लू को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है उसे मैं पीछे से ही लूंगी। काफी सारे लोग प्लेट से ही इसे ले लेते हैं, बट मैं इसे पीछे से लूंगी। सो मैंने इसे पीछे से ले लिया। आप लोग देख सकते हैं हमें इसे थोड़ा टाइट करना होता है यहाँ पे। और अभी जो इसका बॉर्डर है इसे मैं इसमें अपने अंडरआर्म्स के नीचे थोड़ा सा दबा के रख दूंगी, ताकि जो मेरा इधर का साड़ी है वो लूज ना हो। और यहाँ पे मैं पल्लू बनाने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफी सारे लोग पल्लू को चौड़े तरीके से बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे हल्का पतला सा पल्लू रखूंगी जो मेरा बॉर्डर है। बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही मैं इस पल्लू को बनाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं वही यूज कर रही हूँ, अपनी फर्स्ट और लास्ट फिंगर को, फर्स्ट और लास्ट फिंगर की हेल्प से ही मैं इस पल्लू को बनाऊंगी, पल्लू की जो प्लेट्स हैं उसे बनाऊंगी। देखिए आप लोग, हमारी पल्लू की प्लेट्स बन चुकी हैं। अभी मैं इन सारे प्लेट्स को सेट करूंगी और अच्छे से, मतलब इनका एक अच्छा सा साइज हो जाए उसे अच्छे से अपने फिंगर की मदद से इनको सेट करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पल्लू है वो बिल्कुल, हमारे जो पल्लू की प्लेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो बॉर्डर है मैं इसे अपने ब्रेस्ट के नीचे से लेके आऊंगी, साड़ी का जो पल्लू है उसे ब्रेस्ट के नीचे से लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे ये नॉर्मल तरीके की जो साड़ी पहनते हैं उस तरीके से नहीं पहनना है, मुझे यहाँ पे टचअप करना है पिन को। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इन यहाँ पे मैंने ये कुछ अपने जो प्लेट्स हैं उन्हें ले लिया है, और यहाँ पे मैं पिन की मदद से इसे टच अप कर लूंगी। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का पल्लू है, अगर आप लोग चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको पसंद ना आए तो आप लोग ना बनाएं। बट मैं जैसे आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मुझे डिजाइनर तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता है, सिंपल तरीके से आता है, बस थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ जितना थोड़ा बहुत आता है। वैसे मुझे सिंपल ही आता है, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मुझे और तरीके से नहीं आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसे स्टाइल देने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैं पिन टचअप कर लूँगी। उसके बाद गाइज ये पीछे के सारे पल्लू को बना के मैं यहाँ पे भी पिन टचअप कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो साड़ी है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है, और लो वेस्ट में मैंने ये साड़ी लगाई हुई है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि नहीं पहनती हूँ, जैसे आपको बता ही चुकी हूँ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये पूरी कोशिश की अपनी। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग साड़ी की प्लेट्स बना सकते हैं और परफेक्टली साड़ी पहन सकते हैं। I'm just gonna go.